हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन केमिस्ट्री की पॉइंट। तो हमने दोस्तों लास्ट एक लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रांटिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमने होमो एंड लूमो फाइंड आउट किया था, और उसका हमने तरीका बताया था कि वहाँ पे होमो एंड लूमो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो बात करेंगे कि जो है होमो एंड लूमो हम शॉर्टकट तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम फार्मूला देखते हैं कि साइन होता है, ठीक है, साइन अगर है, ठीक है, और उसका हमें होमो एंड लूमो कैलकुलेट करना है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एच न्यू है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए डेल्टा। दो कंडीशन दिया हुआ है, एक डेल्टा कंडीशन, एक एच न्यू कंडीशन, ठीक है। तो उसके लिए होमो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो होमो के लिए दोस्तों हम एक फार्मूला लिखते हैं। अगर एच न्यू कंडीशन में है तो एन बाई टू प्लस वन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर डेल्टा कंडीशन में है तो एन बाई टू लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम होमो की बात करते हैं और साइन दिया हुआ है, तो होमो है अगर एच न्यू कंडीशन में तो वन एन बाई टू प्लस वन होगा, और डेल्टा कंडीशन में है तो एन बाई टू होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया तो वन थ्री ब्यूटाडाइन का, ठीक है, तो वन थ्री ब्यूटाडाइन का अगर हम बात करते हैं तो उसका होमो एंड लूमो के लिए, तो आपको बताया कि होमो एंड लूमो के लिए यहाँ पर बात करते हैं टोटल कितने हैं, वन टू थ्री फोर कार्बन, ठीक है, तो साई फोर हो गए, ठीक है, फोर कार्बन लेंगे साई फोर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम फार्मूला अप्लाई कर दें, अगर एच न्यू कंडीशन दिया हुआ है तो एच न्यू कंडीशन में क्या होगा, एन इजकल टू क्या हो जाएगा, फोर है, यहाँ पे क्या है, एन इजकल टू फोर है, फोर बाई टू हो जाएगा। इस फार्मूले पर अप्लाई करें एन बाई टू, ठीक है, तो फोर बाई टू प्लस वन हो जाएगा, कैंसिल होंगे तो इजकल टू कितना हो जाएगा, थ्री, यानी टू प्लस वन इजकल टू थ्री, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जो है इसका डेल्टा कंडीशन में क्या होगा होमो, तो इसको बताया गया कि एन बाई टू होता है, तो एन की वैल्यू कितना है, फोर, ठीक है, तो फोर हो जाएगा बाई टू इजकल टू टू। इसका मतलब है कि अगर हम होमो बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा कंडीशन में, तो यहाँ पर टू आ गया, इसका मतलब साई टू, साई टू है होमो कंडीशन में क्या होगा, साई टू जो होगा वह होमो होगा डेल्टा कंडीशन में, साई यानी इस ब्यूटाडाइन के लिए। और ल्यूमो की अगर हम बात करते हैं तो होमो अगर हम बात करते हैं एच न्यू कंडीशन में, ठीक है, तो एच न्यू कंडीशन में होमो क्या हो जाएगा, साई थ्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ होमो देख लिए, अब हमें कैलकुलेट करना है, सपोज करिए साई ल्यूमो, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया होमो, अब बात करते हैं ल्यूमो की, ठीक है। तो अगर हम ल्यूमो की हम बात करें तो इसके भी दो कंडीशन हो गए, एक डेल्टा कंडीशन, एक एच न्यू कंडीशन। तो अगर एच न्यू कंडीशन है, ठीक है, तो एच न्यू कंडीशन है, तो यह एच न्यू कंडीशन का फार्मूला है एन टू, एन बाई टू प्लस टू, ठीक है, एन बाई टू प्लस टू, ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी हम बात करते हैं कि अगर डेल्टा कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो अगर हमें ल्यूमो फाइंड आउट करना है और इसका साइन वैल्यू दी हुई है, तो एच न्यू कंडीशन में हम यह फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और इसका हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल क्या है, इस ब्यूटाडाइन का ले लिए हमने, ठीक है, वन थ्री ब्यूटाडाइन का हमने ले लिया, तो वन थ्री ब्यूटाडाइन में वन टू थ्री फोर कार्बन है, तो फोर कार्बन के लिए हम साई फोर लिखेंगे, ठीक है। अब साई फोर जब हमने लिख लिया, उसके बाद जो है हमें कंडीशन देना होगा, यह कंडीशन ये न्यू कंडीशन है या डेल्टा कंडीशन है। अगर ये न्यू कंडीशन में है तो इस फार्मूले पे हमें अप्लाई करना होगा, तो फोर हो जाएगा एन इजकल टू फोर, ठीक है, तो एन इजकल टू फोर, फोर बाई टू प्लस टू इजकल टू क्या हो जाएगा, टू प्लस टू इजकल टू फोर, ठीक है। इसका मतलब साई फोर एच न्यू कंडीशन में क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, सॉरी लूमो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद करते हैं डेल्टा कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो डेल्टा कंडीशन के लिए दोस्तों ये हम फार्मूला लाएंगे, वन बाई टू प्लस एन बाई टू प्लस वन, तो यहाँ पे एन की वैल्यू फोर है, तो फोर बाई टू प्लस वन, यानी कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, थ्री। इसका मतलब है साई थ्री जो होगा इसमें लूमो होगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वन थ्री ब्यूटाडाइन की, तो अगर ल्यूमो की बात करते हैं तो ल्यूमो जो होगा अगर डेल्टा कंडीशन में साई थ्री हो जाएगा और एच न्यू कंडीशन में साई फोर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक देख लें, ये तो फार्मूला हो गया ट्रिक का, अब इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, सपोज करिए यहाँ पर क्या है, फोर कार्बन, ठीक है,
तो फोर कार्बन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताएं, अगर हम ट्रिक बताएं, ठीक है, तो ट्रिक से और शॉर्टकट हम, और ये तो शॉर्टकट हुआ फार्मूले के तो बेस पे, और अगर हम इससे भी शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड टू है, कितने हैं, टू हैं। अगर हम कंडीशन देखते हैं कि अगर डेल्टा है, क्या दोस्तों डेल्टा है, तो डेल्टा में जानते हैं ग्राउंड स्टेट होता है, तो ग्राउंड स्टेट रहने दीजिए, और यहाँ पे टू है, तो अगर हम बात करेंगे होमो, तो होमो हो जाएगा साई टू, समझ गए। यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड कितने हैं, टू हैं, टू पाई बॉन्ड है, इसका मतलब होमो हो जाएगा साई टू, ठीक है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, यचिन्यू कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी एच न्यू नहीं, तो होमो हो गया। अब अगर मान लीजिए डेल्टा कंडीशन में हमें ल्यूमो ही कैलकुलेट करना है, तो क्या करिए, इसमें एक प्लस जोड़ दीजिए, ठीक है। ल्यूमो क्या होता है, होमो पहले होमो होता है फिर ल्यूमो होता है, आप जानते हैं पहले होमो होता है फिर ल्यूमो होता है, तो अगर होमो होता है और फिर ल्यूमो होगा, इसका मतलब है कि एक अगर वन है तो या टू होगा, थ्री है तो फोर होगा, इसका मतलब है कि एक आगे होगा, इसका मतलब है कि अगर हम डेल्टा कंडीशन में देख रहे हैं लूमो, तो साई थ्री होगा, क्या हो जाएगा, साई थ्री हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है दोस्तों, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, जितने डबल बॉन्ड होंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए, टू हो गए, ठीक है। तो टू हो गए तो होमो जो हो जाएगा वो साई टू हो जाएगा, और अगर लूमो की हम बात करते हैं तो लूमो क्या होगा, होमो से एक ऊपर होता है, इसका मतलब थ्री हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, साई थ्री हो जाएगा। अगर हम इसी को दोस्तों एच न्यू कंडीशन में रख दें तो क्या होगा, अगर हम एच न्यू की कंडीशन में देख रहे हैं, एच न्यू कंडीशन में लगा देते हैं, तो एच न्यू कंडीशन में आप जानते हैं कि एच न्यू कंडीशन में क्या होता है, यह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता, तो यहाँ पर दो पाई हैं, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो समझिए क्या हो गया, थ्री हो जाएंगे, तो थ्री हो जाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका एच न्यू कंडीशन में होमो जो हो जाएगा वो साई थ्री हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। एच न्यू कंडीशन में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या है, डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक और जोड़ेंगे, साई थ्री हो जाएगा। और अगर ल्यूमो की हम बात करते हैं तो ल्यूमो क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो गया यानी साई फोर हो जाएगा, ठीक है, एक ज़्यादा हो जाएगा साई फोर हो जाएगा, यानी यह होमो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और यह ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप फार्मूले में कैलकुलेट किए हैं कि क्या है, अगर साई फोर का हमें कैलकुलेट करना है तो होमो डेल्टा कंडीशन में होमो साई टू, तो यहाँ पे भी साई टू, होमो जो है एच न्यू कंडीशन में साई थ्री, तो यहाँ पे एच न्यू कंडीशन में साई थ्री। लूमो की अगर हम बात करते हैं तो लूमो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा कंडीशन में साई थ्री, यहाँ पे लूमो क्या है, डेल्टा कंडीशन में साई थ्री, और यहाँ पे बात करते हैं लूमो एच न्यू कंडीशन में क्या है, साई फोर है, यहाँ पर भी साई फोर, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको क्यों बताएं, क्योंकि हमें साई वन साई टू और साई थ्री से ही टोटल जो होगा, यानी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी इसी पे बेस्ड होगा, और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, रिएक्शन और स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊँगा, ठीक है। तो जितना कोशिश हो सके इसको जो है आप लर्न कर लीजिए, और यही जो होगा मेन फैक्टर होगा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, जो वीडियो मैं लोड करता हूँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो आपके नेट गेट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है या कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और कोई एडवाइस है तो उसे भी। थैंक यू।